Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो भारत का नंबर वन रियलिटी शो बिग बॉस 18 आ चुका है। बिग बॉस 18 का ग्रैंड प्रीमियर जो हुआ बहुत ही धमाकेदार था दोस्तों। तो मैं सच में, मुझे अब इसको देख के लग रहा है जो कि मैंने टाइटल में डाला कि ये बिग बॉस 13 को टक्कर देगा, क्योंकि बिग बॉस 13 एक बहुत ही बड़ा जो शो था जिसमें बहुत सारे बंदे एस्टेब्लिश हुए। शहनाज गिल उभर के आई, मरहूम सिद्धार्थ शुक्ला शो जीते और आसिम रियाज भी बिग बॉस के शो से ही उभर के आया। बहुत सारे कंटेस्टेंट थे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की गेम खेली और इसी तरीके से करीम को लेके आए थे। इस बार भी जो है सभी खिलाड़ी टक्कर के हैं। तो चलो खिलाड़ियों के ऊपर एक नजर मार लेते हैं कि कौन सा खिलाड़ी है और हमारे हिसाब से कौन से खिलाड़ी में कितना है दोस्तों दम। सबसे पहले आई चाहत पांडे। चाहत पांडे ने काफी बड़ी बड़ी बातें की शो के बारे में कि भैया मैं तो अकेले ही हीरो हूं, मैं हूं तो किसी हीरो की जरूरत नहीं है शो में। तो ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दिया यहाँ पे उनका हमको, और मुझे नहीं लगता कि ये ट्रॉफी की विनर हो सकती है चाहत पांडे। देखते हैं कि ये बातें बिग बॉस के घर के अंदर जाके कितना दूर तक चलती हैं। तो चाहत पांडे के बाद आए शहजादा धामी। शहजादा धामी जो शो के बारे में बात कर रहे थे कि कंट्रोवर्सी थी वो थी ये रिश्ता क्या कहलाता है, और उन्होंने जो बात की, जी हाँ, वो राजन शाही साहब की बात की कि मेरे साथ ऐसा किया, सबके सामने मुझे जलील किया। तो सलमान खान ने भी भाई कह दिया कि आपने भी तो कुछ कांड किए होंगे। तो इससे एटीट्यूड का पता चलता है कि सेट पे एटीट्यूड था तो भाई यहाँ पे भी बिग बॉस के घर में भी वो एटीट्यूड तो ऐसा दिखाएंगे। लेकिन ये शहजादा धामी भी मुझे टॉप 5 के कंटेस्टेंट नहीं लग रहे हैं। उनके बाद में आए अविनाश मिश्रा, जिनके बारे में चाहत पांडे ने कहा था कि भाई मेरी वजह से उनको निकाल दिया गया था। तो अविनाश मिश्रा आए, तो अविनाश मिश्रा के बारे में भी काफी कयास लगाए जा रहे हैं। तो अविनाश मिश्रा भी काफी देर तक खेलेंगे मगर ये जीत के दावेदार नहीं है। शिल्पा शिरोडकर, शिल्पा शिरोडकर जो है मुझे तो याद है, काफी सारी फिल्में मैंने उनकी देखी है। तो शिल्पा एक बड़ी ही पॉजिटिव जो है घर में लगी, और जो पुरानी फैन फॉलोइंग है इनके समय की वो डेफिनेटली इनको वोट करेंगे। तो मगर क्योंकि बिग बॉस ज्यादातर यूथ देखता है, यंग जनरेशन देखती है, तो शिल्पा शिरोडकर भी बहुत लंबा नहीं चल पाएगी क्योंकि आते हुए कल भी वो यूथ के बीच में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, थोड़ी मुश्किल लग रही थी। उसके बाद बड़ा ही दिलचस्प एक कंटेस्टेंट आया भैया तजेंद्र बग्गा। तो वो सरदार जी ने सच में एक अच्छा हंसी का माहौल बना दिया। तो सलमान के साथ बातें करते लगता था कि उनको भैया बातें आती हैं। तो ये बातें बिग बॉस के घर में कितना लंबा तक चलेगी, लेकिन ये काफी आगे तक ये कंटेस्टेंट जा सकते हैं। तजेंद्र बग्गा के बाद में जो बिग बॉस के घर में एंट्री हुई मुझे बड़ी अच्छी लगी, तमिल की ये लड़की श्रुतिका। श्रुतिका जो है आई और आके उसने वो बड़ी कमाल की बात की हंसते हंसते कि 5-4 फिल्में मैंने की एज हीरोइन सब, और चारों की चारों सुपर फ्लॉप, और अब वो अपने कॉमेडी के तड़के लगाती हैं और घर में भी लगाएगी कहीं ना कहीं। ये लग रहा था कि एक्टिंग है पर मुझे नहीं लगता कि ये एक्टिंग है, मुझे लगता कि ये सच में ही ऐसी है। तो उसके बाद न्यारा बनर्जी आई। न्यारा बनर्जी भी खूबसूरत है, गेम देखते हैं कैसी है तो आगे कहां तक जाती है। फिर आई चुम दांग। चुम दांग ने अपने नाम से ही काफी ज्यादा चीजें सवाल खड़े कर दिए, लेकिन चुम दांग जिस तरीके की बातें करती नजर आई उससे लगता है कि भाई ये टक्कर देगी सबको। तो ये जितनी नीचे है उतनी ऊपर है। तो उसके बाद भाई आए करणवीर मेहरा। ये टक्कर के खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये बहुत आगे तक जाएंगे। हम देख चुके हैं खतरों के खिलाड़ी को किस तरीके से करणवीर मेहरा ने जीता है, और करणवीर मेहरा के भाई टॉप 2 टॉप 3 में जाने के बहुत चांसेस हैं। उसके बाद आया रजत दलाल। रजत दलाल का एक डायलॉग भैया मेरे दिल को टच कर गया।
जो कैरी मिनाटी के बारे में उन्होंने कहा था करणवीर मेहरा को जवाब देते हुए कि कुत्ते के 44 मिलियन जो है फॉलोअर नहीं होते सर, और वो काफ़ी एग्रेसिव नेचर का है भाई। आते ही उसने वो अपने बग्गा साहब से पंगा भी ले लिया, ये प्रोमो में हमने देखा है। तो ये कोई थप्पड़ वप्पड़ मार के कहीं बिग बॉस के घर से किसी को बाहर ना निकल जाए। उसके बाद आई मुस्कान बाम ने, मुस्कान भैया एंट्री बड़ी जोरदार थी। मुस्कान पूरी की पूरी फैमिली को अपने को घर पे ले आई, सभी घर वाले छोड़ने आए तो सलमान खान ने चुटकी भी ली कि भाई ये तो ऐसे आए हैं कि ये कहीं वापस ना जाए। शुक्र मनाया कि चलो 3 महीने वहां पे रहेगी। तो मुस्कान बाम ने क्या 3 महीने रहेंगी, हम देख चुके हैं अनुपमा शो में मुस्कान ने अपनी प्रतिभा का बहुत जोरदार प्रदर्शन किया था। इतना किया कि दूसरे वाली रिप्लेसमेंट वाली पाखी लोगों को पसंद नहीं आ रही है। ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, बिग बॉस के घर में कैसे रंग दिखाती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुस्कान की फैन फॉलोइंग ऑलरेडी है। तो उसके बाद एक जोड़ी आई भैया, ऋतिक रोशन ने जिनके बारे में बोलना पड़ा, तो जाहिर सी बात है शो में इतनी ज्यादा उनको फुटेज मिली है तो थोड़ा आगे तक कोशिश करेंगे लेके जाने की बिग बॉस वाले। तो वो है अरफिन खान, और अरफिन खान के साथ ही उनकी जो है पत्नी सारा अरफिन खान भी आई है। बिग बॉस के घर में कई कपल्स आते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कपल चल जाए। अब आपस में इनके डिस्प्यूट, इनकी चीजें अगर दिखाते हैं तो ये तो शुरू में इनको बेनिफिट होगा डेफिनेटली वोटिंग का, क्योंकि दो हैं तो दो वोटें तो पहले ही हो गई है, तो कितनी देर तक नॉमिनेशन से ये बचते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिर आई ईशा सिंह, ईशा सिंह ने आते ही बता दिया कि भैया बिग बॉस की ये लाडली है, और बिग बॉस ने इस बार साफ साफ कह दिया है कि भैया बायस तो वो रहेंगे जो करना कर लो तो वो वर्तमान प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ दिखा दिया उन्होंने। उसके बाद जो वकील साहब आए, गुणरत्न सदा वर्ते, गुणरत्न जी जिस तरीके से आए सलमान खान को भी सलमान ऐसे बोल रहे थे, तो गुणरत्न जी का मुझे भविष्य अंधेर लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबे समय तक बिग बॉस के घर में टिकेंगे दोस्तों, सबसे पहले यही जा सकते हैं मुझे लगता है। उसके बाद आई वायरल भाभी हेमा शर्मा, हेमा शर्मा ने भी भाई खूब अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया। आते ही जो चीज़ें बताई कि किस तरीके से वो वायरल भाभी के नाम पे मशहूर हो गई हैं, और अपनी कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें दिखाई कि घर में प्यार मिलता हो तो आदमी मैं यहाँ पे क्यों आती, ये बड़ा ही कमाल डायलॉग था। अंदर आके बहुत सारी पर्सनल बातें खुल सकती हैं भाई। उसके बाद एक व्यक्ति जिसका कि इतने सालों से 8 साल तो वहां पे बताया गया, हर बार हम सुनते हैं खबर कि वो आएगा, हर बार वो रिजेक्ट कर देता था बिग बॉस को कि नहीं आता था, कि मुझे नहीं आना है। इस बार उसने कहा कि मुझे एहसास हुआ है सर, और वो है विपिन डिसेना। तो ये विपिन डिसेना शक्ति में भी आप इनको देख चुके हैं, और मधुबाला में इनका बहुत ही कमाल का रोल था, सच में मैंने मधुबाला शो देखा है, और ही इज ए वेरी फाइन एक्टर, और एटीट्यूड भी इनका कोई कम नहीं लग रहा है भैया। तो ये भी बिग बॉस के घर में टॉप के खिलाड़ी हैं, टॉप 5 में जाने वाले हैं। उसके बाद एलिस कौशिक आई, मुझे सच में वो बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी लगी, और जिस तरीके से उनकी लाइफ की ट्रेजेडी दिखाई, पहले ही लोगों की सिंपथी हमदर्दी इस एक्ट्रेस के साथ जुड़ गई है। अब बिग बॉस के घर में आके वो किस तरीके का अपना रोल अदा करती है ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। मगर ये एक्ट्रेस भी टॉप 5 की दावेदार है। तो क्या कहना है आपका, आपके इनमें अभी तक कुछ फेवरेट बने हैं जो ऑलरेडी शो के माध्यम से हैं, तो आपके हिसाब से आपकी लिस्ट टॉप 5 की क्या होगी, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।